नमस्कार, मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या। समान काम समान वेतन मान, पुराने शिक्षकों के तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना, अनुकंपा आधारित शिक्षकों का वेतनमान में नियुक्ति, सेवा शर्त, राजकर्मी का दर्जा, इन तमाम सात सूत्री मांगों के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष समन्वय समिति के आदरणीय अध्यक्ष एवं संयोजक श्री बजनंदन शर्मा के आह्वान पर 5 सितंबर को बिहार के तमाम शिक्षक विद्यालय बंद कर पटना के संजय गांधी स्टेडियम में पहुंचकर अपने मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे। इसी संदर्भ में अध्यक्ष श्री गौतम राव एवं सचिव श्री नर्मोदय ठाकुर के साथ यहां बगहादू के अंचल सचिव रविंद्र गिरी, जदुवंशी प्रसाद, मदन मोहन गुप्त, पिंटू कुमार सलंदर जी के साथ प्रखंड के तमाम शिक्षकों से मिलकर शिक्षक पटना को भर देंगे और सरकार को हमारी चट्टानी एकता के साथ झुकना पड़ेगा। हमारे सभी मांगों को मांगने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा और जो उत्साह है केवल बगहा 2 से 18 बसें आरक्षित हो चुकी हैं, बगहा 1 से भी 16 बसें आरक्षित हो चुकी हैं और पूरे पश्चिमी चंपारण से 150 से अधिक बसों पर सवार होकर शिक्षक जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक ट्रेन से, बस से और चार चक्के वाहन से भी जाएंगे और पूरे बिहार में जो उत्साह है पश्चिमी चंपारण पहले पायदान पर रहेगा, क्योंकि यह धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्म भूमि है और यहाँ से जो आगाज होता है निश्चित रूप से कामयाबी तक हम पहुँचेंगे। और सरकार का जो तुगलकी फरमान है कि 5 सितंबर को स्कूल खोलने का, हम सरकार के इस तुगलकी फरमान को धत्ता बताएंगे और इस सरकार के इस बंदर घोलती से हमारे शिक्षक डरने वाले नहीं है। हम सरकार को करो या मरो के साथ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो सरकार को हमारी मांग माननी होगी न तो सरकार को गद्दी से जाना होगा, यह हमारा संकल्प है। और शिक्षकों में जो उत्साह है इस देख करके मैं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो बगा के हमारे तमाम अंचल इकाई के चाहे वो अंचल मंत्री हो, अध्यक्ष हो, राज प्रतिनिधि हो, वो कोऑर्डिनेटर हो, BRP हो, सभी तन मन के साथ लगे हुए हैं कि संजय गांधी स्टेडियम को हम पाटने का काम करेंगे और हमारा यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। ऐसा भूतो न भविष्यति, न पूर्व में कभी हुआ था न आगे कभी होगा और सरकार को हमारे सात सूत्री मांगों को मानना होगा और नहीं तो सरकार को जाना होगा, यह हमारा संकल्प है।